सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रिते सु श्री राधिके तव कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनम सिरसावहामि गोविंद जीवन धन सिरसावहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतुकी कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर अपार अहेतुकी कृपा निरंतर बरसा रहे हैं। प्रभु अपार करुणा में है, अहेतु की कृपालु हैं, उनका प्रत्येक विधान मंगल से भरा हुआ है। हो सकता है हमें अनुभव में ना आए, लेकिन जिन भी महापुरुष की वाणी हम सुनते हैं पढ़ते हैं वह सहज रूप से यही बताते हैं कि प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में है। वह चाहकर भी किसी का मंगल नहीं कर सकते। जैसे सूर्य से कहा जाए कि अगर आपकी सामर्थ्य हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो वह चाहे तब भी अमंगल नहीं कर सकता, अंधेरा नहीं कर सकता। अर्थात सूर्य से कहे कि तुम हो और अंधेरा करके दिखाओ, तो सूर्य कहेगा भैया हमारे रहते अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार प्रभु चाहे तब भी किसी का मंगल नहीं कर सकते।
हमारी मान्यता के अनुसार हमें वह अमंगल अशुभ लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान निश्चय ही दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, सर्वसुहृद हैं, सबसे प्रेम करते हैं, पर वे सर्वज्ञ हैं, सर्व कल्याण में एक एक वचन बहुत आनंद में है, बहुत मंगल में है, सारे प्रश्नों का उत्तर है एक एक वचन जो ये महापुरुषों के हैं। कह रहे हैं कि सर्व मंगल, सर्वज्ञ हैं, सर्व कल्याण में है और सर्व शक्तिमान है, अतएव वे हमारे मन की बात यदि हमारे लिए परिणाम में बुरा फल देने वाली है पूर्ण नहीं करें। हमारे मन की बात हम उनसे मांगे प्रभु ऐसा कर दीजिए, और प्रभु जानते हैं कि ये परिणाम में ये इसका मंगल कर देगी, इसका अहित कर देगी, इसका फल इसे ठीक नहीं मिलेगा, इसका फल ठीक नहीं है, तो प्रभु उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, आप खूब रो। हम अल्पज्ञ हैं, सच्ची बात है, हमारी बुद्धि की सीमा केवल इतनी है, और वो भी ठीक नहीं, हम अपने लिए भी नहीं समझते कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसलिए प्रभु, केवल प्रभु अपने जनों की बात जानते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, नहीं जानते, पर वे सर्वज्ञ, उन्होंने हमें अपना लिया ना, अपना मान लिया ना, हम उनके हो गए, वह जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आज की भी जानते हैं, वर्तमान की, पूर्व में क्या हुआ है वह भी जानते हैं, और आगे क्या होगा ये भी जानते हैं प्रभु, इसलिए। और हमारी दृष्टि होती है कि अभी ऐसा हो जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, पर प्रभु को पता है अभी यदि इसके लिए हमने ये इसकी कामना की पूर्ति कर दी तो आगे जाके इसे परिणाम में दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए प्रभु नहीं करते। वही करते हैं जिससे अपने जन का मंगल हो, उसे सुख पहुंचे, दीन का दैन्य मिट जाए, हमारी जो है ना मांग व्यर्थ की, इस दो दैन्य होते हैं, एक होते हैं संसार की कामना, हम कुछ नहीं है और नाना प्रकार की अंदर लगी रहती है, और एक दैन्य है प्रभु की प्रसन्नता का हेतु, अपने में कोई सामर्थ्य ना देखना। वह चक्रवर्ती सम्राट भी हो सकते हैं, वह बहुत बड़े महापुरुष हो सकते हैं, सर्वपूजनीय हो सकते हैं, और ऐसा ही होता है, सच्चा दैन्य इसी दैन्य से प्रभु रिश्ते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा में विट्ठल नाथ जी सेवा कर रहे थे, उन्होंने प्रभु से पूछा सहज में, आपकी प्रसन्नता का हेतु क्या है, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? तो बोले, सुना है कि आप दैन्य जो दीन है, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, अहंकार गलित, अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, सब विधिहीन, पूर्ण प्रभु के आश्रित, एकमात्र उनकी आशा। बोले, जिन्हें दीन प्यारे हैं ऐसे है प्रभु, आपको दैन्य प्रिय है, श्री विट्ठल नाथ जी ने श्रीनाथ जी से कहा, तो प्रभु फिर तो आप मेरे से कभी प्रसन्न होंगे नहीं, वात्सल्य भाव से दुलार करते हैं पर मूल में दासत्व है ना, फिर तो मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ। बड़े जो महापुरुष उन्होंने लिखा है कि कृपा रूपी जल, कृपा की वर्षा है ना, वहीं ठहरता है जहाँ दैन्य रूपी गड्ढा है। जल की निवान कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है ना, और जो जितना झुका हुआ है वह उतना कृपा का अधिकारी है, अपने में कुछ नहीं देखता, मैं किसी योग्य, आप देखो सहज थोड़ा अंदर से हटा के, मैं कुछ नहीं, हटे ना ही बोझ है थोड़ा, ये इसी से हटता है, सत्संग के श्रवण से आता है, मैं किसी लायक नहीं, जो कुछ सुनता हूँ एक बात जीवन में नहीं, कुछ कर नहीं सकता, तब अंदर से आता है प्रभु अब आप ही संभालो, सुना है आप ही सहज करुणा में हो, किसी की गुण अवगुण नहीं देखते, करुणा करके अपना लेते, मैं किसी लायक नहीं, हो रहा है ये महान साधन, हो रहा है सीधा योग हो रहा है, जो चित्तवृत्ति को लगाना अत्यंत कठिन है वहाँ अंदर आने लगा, मैं किसी योग्य नहीं, तो क्या हुआ,
कौन योग्य है, सर्वसमर्थ प्रभु है, उन्हीं के आश्रय, उनकी ओर दृष्टि की प्रभु आप देख लो, जैसे प्रसन्न हो वैसे रीझ जाओ, मैं तो इस योग्य नहीं कि आपको रिझा सकूं, क्या बुरा है, पूर्ण चित्त प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और यदि तन्मयता बढ़ी तो रोना प्रारंभ हो जाएगा, इस रोने से प्रभु रीझते हैं। इसी में इसीलिए कहा जाता है कि जितना सामर्थ्य है जब तक लगा दो अपने आप को, यही है हारना, अब कुछ नहीं कर सकता, इसी हार में प्रभु रीझते हैं। गोपी जनों को देखा ना, तो दिखा रहे हैं आचरण करके, सब कुछ करके देख लिया प्रभु को पाने के लिए, प्रभु अंतर ध्यान हुए ना, सब कुछ लीला अनुकरण किया, उनके लिए गायन किया, पुकारा लताओं से, यमुना जी से, तुलसी जी से, खग मृग पशु पक्षी सबसे पूछ लिया, पर कहीं पता नहीं प्रभु का क्या हुआ, हार गए बैठ गए। रुरुदुह सुस्वरम राजन, एक साथ इतनी विकलता में रो पड़ी कि अब प्राण नहीं रुकेंगे, प्राण छूट जाएंगे यदि एक क्षण का विलंब हो जाए। कृष्ण दर्शन लालसा, इस कोटि की लालसा प्रकट हो गई, तो प्रभु ने देखा यदि अब एक क्षण का विलंब किया तो निश्चित ये प्राण छोड़ देंगे। तो आगे तासा माविर्भुच्छौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर दरह सृगवी साक्षान मनमथ मनमथा। प्रभु प्रकट हो गए वहीं उनके मध्य में, कहीं से आना जाना नहीं पड़ा, वो विकलता, वो दीन होके जहाँ पुकारा, अब नहीं हम किसी योग्य नहीं, अंदर उठा था तासाम तत् सौभग मिधम वीक्षमानम च केश, ये उस सौभग मत को दर्शन हमें कराया जा रहा है कि उपासक के हृदय में जरा भी ये मत होगा ना, ये अहंकार होगा मैं कुछ हूँ, तब तक प्रभु उसके हाथ नहीं लग सकते। प्रभु क्या, प्रभु तो हैं ही, पर वास्तविकता में कुछ आपके हाथ नहीं लग सकता, जरा भी ये है कि मैं कुछ हूँ, आपको दिखाई देगा कि मैं कुछ हूँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अति दीन हुए जिसने पुकारा, उसके साथ हैं प्रभु। हमारी महारानी जो श्री किशोरी जी का वाहन ही दैन्य है, जिसके हृदय में दैन्यता रूपी ये वाहन, उसी पर बैठ के श्री स्वामिनी जी पधारती हैं, दूसरा कोई उन्हें रिझाने का उपाय नहीं, अति हृदय प्रेम से भरा हुआ और दीनतापूर्वक पुकारना प्रारंभ होता है। महान भगवान शिव के लिए आता है, जिस समय रावल में पधारे, बहुत ढूंढा, प्रयास किया, यमुना जी में खड़े होकर, और ये जो राधा कृपा कटाक्ष उसका गायन किया, मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भ्रु बिलासिने ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। जहाँ दीन होके पुकारने लगे, संपूर्ण लीला का वर्णन है, और बार बार रो रो के फिर रहे, एक बार दर्शन हो जाए, जब देख लिया गया, अब लीला में सुना ना, फिर बुलाया उन्हें अंदर, और स्वामिनी जी का दर्शन करके विकल हो गए। अद्भुत दीनता, दैन्यता, इतने किस कोटि के महापुरुष हैं भगवान शिव, 88,000 वर्ष की एक बार समाधि में बैठ जाते हैं, जहाँ लगी शंकर सहज स्वरूप संहारा लागे समाधि अखंड अपर, एक जैसे ही आंखें मुंदी तब 88,000 वर्ष के लिए गई वो आंखें बंद अपने आराध्य में चित्तवृत्ति। वो महापुरुष दीन होके पुकारे कि एक बार लाडली जी का दर्शन हो जाए। नारद जी महाराज, कल प्रसंग में सुना ना, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, हे महारानी जो कृपा करो, और जहाँ श्री जी ने देखा दीन होके पुकार रहे, अति विकल हो गए, प्रकट हो गई सखियाँ, और लाडली जू का साक्षात्कार कराया, दीन होके जिसने पुकारा, सो महारानी जो देख नहीं पाती, कह रहे प्रभु दीन बंधु हैं। सांसारिक जो दीनता है ना, सांसारिक दैन्य, अब क्या व्याख्या करें, उसे भी प्रभु मिटा देते हैं, और वास्तविक दैन्य जिसे प्रभु रीझते हैं वो दैन्य प्रदान करते, वो संतों के संग से मिलता है। पतित स्वयं पावन हो जाएगा उनकी करुणा से, इसलिए हमें चाहिए प्रभु एकमात्र उनके चरणों का आश्रय, अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दें। तो बात उठती है कैसे समर्पित करें, ये जो सुनाई दे रहा है ना, इसी से समर्पण होता है। आने लगेगा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं समर्पण भी नहीं करना जानता, कैसे आपको समर्पण, आप कर लो, हो गई प्रारंभ
पूर्ण समर्पण की यात्रा यहाँ से आप कर लो, जैसे आपको प्रसन्नता मिले। मैं नहीं हूँ किसी योग्य, समर्पण भी नहीं कर सकता। हम जानते नहीं समर्पण कैसे करेंगे, हम अपने आप को थोड़ी जानते हैं। हम इसको शरीर को अपना अपने आप को जानते हैं, मन बुद्धि को अपना मानते हैं। और मन शरीर, मन और ये प्राण वाणी, कहा था ना श्री राधे, तनु वांग मनो भिरमलय सोहम तवे वाश। शरीर वाणी मन और मैं स्वयं, ये मैं, इसका समर्पण होता है। जहाँ इसका समर्पण हुआ तो ये स्वयं समर्पित हो जाते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं इनको समर्पण करने की पूर्ण प्रति सुनते रहे, खुद ब खुद समर्पण भी हो जाएगा। ये श्रवण बहुत मंगलमय है। प्रातकाल सत्संग में कह रहे थे महाराज, कुछ ना बने, केवल कथा निष्ठा सुनने की आदत बना लो, सब हो जाएगा। बिना प्रयास के हृदय में आराध्य देव जागृत हो जाए, आ जाएंगे। हमें बस चाहिए प्रभु मैं आपका हूँ, जैसे आप प्रसन्न हो आपके विधान में प्रार्थना करें। आपका प्रत्येक विधान मंगल में है, पर मैं समझ नहीं पाता, आप ही कृपा करो, इससे मेरा हृदय आपके विधान को स्वीकार कर ले। हम नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे कह तो सकते हैं। जैसे कही जाती है प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में, प्रतिकूलता आई तो आप मानो मंगल विधान, तो नहीं आ रही ना बात, पर वास्तविक बात यही है। ये विचार करें प्रभु से कहें हम, प्रभु आप करो, तो प्रभु बहुत करुणा में वो हृदय में ऐसा ज्ञान दे देंगे, आप देखोगे कि सच्ची बात है। मैं किस लिए भटक रहा, इसके लिए ही तो या संसार के लिए तो, और ये सब झूठा है, हटा आने लगा। प्रभु कृपा बहुत बढ़िया, अच्छा वो प्रभु ने नहीं करी मेरे मन की बात, और वो बढ़ गया आगे। प्रभु की प्राप्ति ही जीवन की सार बात है। संपूर्ण सृष्टि, यहाँ तक कि त्रिभुवन का वैभव भी आपको प्राप्त हो जाए तो कुछ नहीं। देखो ना, हम सुने हैं ना बड़े बड़े देवकोटि के जो हैं, क्या कमी है उनके पास, संपूर्ण वैभव है, बड़ी बड़ी सुंदरियां उनके समीप हैं, पर क्या दशा देखी गई, अर्थात पूर्णता नहीं है ना, होने पर भी सब कुछ अधूरापन है ना, कुछ खाली है ना, तभी तो भटक रहे हैं। यदि पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए, हमारी कामना है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए और नाना प्रकार के जो भी हो, पर जिनके पास है उन्हें है सुख, वह भी जल रहे, तो क्या प्रभु मैं आपका हूं, मैं तो नहीं जानता सुख किस में, आप देख लो, बस तो प्रभु कर देंगे। इसलिए जैसे भी रखें प्रभु रहते हुए, उनके विधान में राजी रहे, बहुत कृपा में प्रभु, चाहकर भी किसी का मंगल नहीं कर सकते वास्तव। और ये बातें हम संतों के चरित्र में देखते हैं, क्या जीवन है, कितना प्रतिकूलता। अब विचार कीजिए पूज्य महाराज जी, वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा जीवन में एक ऐसा मच्छर मारा हो कभी, भावना भी नहीं कि किसी को ऐसे कष्ट दिया हो, पर क्या शरीर की अवस्था है। हम प्रत्यक्ष को क्या कहना, प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण क्या देना, देख रहे हैं ना, कल प्रातकाल की अवस्था, आज की अवस्था, पर क्या मुख पे वस मुस्कान मंद, एक ही बात, जैसे आप प्रसन्न हो, आपकी राजी में राजी। कोई प्रश्न थोड़ी कि ऐसा क्यों नहीं, दोनों किडनी खराब, भयानक कष्ट शरीर में, एक एक नस ऐसा है कि फटती रहती, पर सबके सुख के लिए, इतना भी अंदर नहीं कि कैसे भी। हमें यदि थोड़ा सा खांसी जुखाम हो जाए तो 3-4 दिन के लिए गए सत्संग, अरे सामर्थ्य नहीं सत्संग कैसे सुने, सेवा करें, नियम छूट गया सब, और 2 बजे से वैसे ही दिनचर्या, 102 बुखार। अब 102 बुखार है तो कष्ट कितना होगा शरीर में, और ऊपर से अलग से भी रोग हैं, भयानक तपता हुआ, वो तो दिख रहा था ना, पर जरा भी नहीं ऐसा क्यों, वैसे ही जैसे सबको सुख पहुंचे, ये देखने को मिलता है प्रभु की कृपा का स्वरूप। उन्होंने सुना आपका प्रत्येक विधान मंगल में है, दिखा रहे हैं, और हम प्रभु से क्या प्रश्न करेंगे, संपूर्ण स्वस्थ, सारी अनुकूलता, तब भी हमारा हृदय में प्रश्न बना रहता है आपने ऐसा नहीं किया,
मेरे मन की नहीं करी। हम कहाँ हैं? केवल अभी कह रहे हैं, अभी अपने को भक्त, उपासक, साधक, पर अभी कुछ नहीं है। ये महापुरुष हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं, ये होता है जीवन। हमें चाहिए, हमें यहाँ पहुँचना है। कैसी भी परिस्थिति हो, शरीर की, मन की, बाहर से घोर प्रतिकूलता हो, क्यों आप थोड़ा विचार करने वाले, कैसे महापुरुष जन देखो मुस्कुराते रहते हैं, घोर अपमान हो रहा है, प्रतिकूलता मिले, जरा भी सिकन नहीं, कोई बात नहीं, और आनंद में डूबे हुए, क्यों है? उस वस्तु को पा लिया, इसके पाने के बाद कुछ प्राप्त नहीं होता, दिखाई दे रहा कि रज लगाए हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, पर त्रिभुवन का स्वामी वो अधीन है उनके, प्रभु है ना सबके स्वामी, वो उनके अधीन है। ये बात खास है, प्रभु की प्राप्ति के सिवा जो प्राप्त हो जाए सब आपको नष्ट करने वाली हो जाएगी, और कुछ प्राप्त नहीं है, प्रभु आपके हृदय में खेल रहे हैं, तो सात गांठ गोपीन में अरु भाजी बिनु लौन, रघुबर जाके उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन, बेचारा इंद्र क्या उसके सामने, पूर्ण आश्रय प्रभु का। पूर्व प्रसंग में सुना, मीरा जी से भोजराज जी ने पूछा कि आपको कोई कष्ट तो नहीं, या कोई अंदर बात तो नहीं जो हम नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसी सेवा? मीरा जी ने कहा कि और तो सब ठीक है, यहाँ सत्संग नहीं मिलता, आप कुछ ऐसा विधान करें कि सत्संग मिला मिले, क्योंकि बिना सत्संग के प्राण तिसाया मरे, तृष्णा से आतुर होकर प्राण छूटे जाते हैं, सत्संग ही जीवन है। प्रभु प्राप्त हैं उन्हें, वो कराने वाले हैं प्रभु को प्राप्त, वह कह रही हैं कि बिना सत्संग के जीवन व्यर्थ है। संतों के मुख से झड़ती हुई वो निर्मल वाणी, अमृतमयी वाणी सुन के हृदय की ताप समन हो जाती है। उन्होंने कहा यहाँ तो किले में संतों का आना नहीं हो सकता, फिर विचार किया कि एक कार्य हो सकता है कि कुंभ श्याम मंदिर के पास एक मंदिर बनवा दिया जाए और आप वहाँ दर्शन करने पधारें, वहाँ दर्शन पधारेंगे और जो किले में संत आते हैं मैं प्रयास करूँगा वह वहाँ आकर ठहरे, तो इससे आपको दर्शन भी हो जाएगा, सत्संग का भी लाभ हो जाएगा और चलते फिरते मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा ही बात हो गई, महाराणा जी के पास बात गई, उन्होंने प्रस्ताव को पास किया, मंदिर बना, संतों की व्यवस्था की गई, जोशी जी उनकी सेवा में लगे, जो भी संत आते उनको प्रसाद भोजन, और भोजराज जी संपूर्ण देखरेख स्वयं करते, सारी व्यवस्था। अब जहां मीरा जी का जस विस्तार होने लगा, भक्तों का जस, जितना जस बढ़ने लगा उतना ही रनिवास में प्रतिकूलता प्रारंभ हो गई। जितना जितना आपकी भक्ति रंग लाएगी ना उतना उतना ये देखो समीप में प्रतिकूलता प्रारंभ हो जाएगी, आंतरिक पहें बिल्कुल बेपरवाह होकर चलो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ईमानदारी से प्रभु की ओर दृष्टि, कोई सारे सूल फूल बन जाएंगे। बढ़ने लगे, भोजराज जी के कानों तक भी पहुंचती, पर सारी बात रनिवास की, माता जी की और जो भी थी सबकी सुन लेते, अपने ऊपर सह लेते, कभी मीरा जी तक नहीं आने दी बात। उस समय एक जैसे प्रभु ने ढाल रूप से खड़ा कर दिया मीरा जी के साथ, और वह तीव्रता से बढ़ती जा रही अपने पद पर। इन्हीं दिनों श्री रतन सिंह जी का, भोजराज जी के छोटे भाई का विवाह हो गया, तो संपूर्ण रनिवास का जो भी घर के स्त्रियां आदि हैं उनका, परिवार वालों का मन उधर से हटके नवविवाहिता वधु की ओर लग गया, मीरा जी की ओर से चित हट गया। भोजराज जी भी अपने सहज रूप से जो सेवा कर रहे हो करते हुए, एक दिन भोजराज जी ऐसे बैठे हुए थे और आकाश की ओर दृष्टि किए हुए एकटक गहन चिंतन में, रतन सिंह जी आए और पास आकर ऐसे प्रणाम किया, बाप जी हुकुम, अभिवादन किया उनका, पर कोई उसका श्री भोजराज जी ने उत्तर नहीं दिया,
सामने खड़े हैं, दिख रहे हैं, पर वापस कोई उत्तर नहीं उनका। अभिवादन को दोबारा करना चाहिए ना, आओ पधारो, कोई अभी वो नहीं किया। फिर दोबारा श्री रतन सिंह जी ने कहा, बाप जी हुकुम। तो जैसे कोई सो के जगाओ और एकदम चौंक कर आँख खोले। कहा कब आए? बोले अभी आया, कुछ ही देर हुई। पर ऐसा विचार क्या कर रहे हैं सरकार कि संसार शून्य हो गया, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको भान भी नहीं? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही राज्य की बातें और थोड़ी देश की बातों का चिंतन कर रहा था। बोले मुझे बताना उचित ना समझे तो आपकी राजी ना सही, लेकिन अभी झूठ बोलना आपको आया नहीं, थोड़े अभ्यास की अभी ज़रूरत है, अभी आपको झूठ बोलना नहीं आया। बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ थोड़ा ऐसे, पर छोटे भाई हैं ना, एक दो बरस ही छोटे हैं, पर बिल बहुत सम्मान, चरणों के समीप बैठे हैं, वो बैठे हैं चौकी पर ऊंचा, और उनके चरणों के समीप बैठे हैं। फिर कहा कि और बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा, थोड़ा हास प्रयास हुआ। तो रतन सिंह जी ने कहा, कितने समय बाद आपको ऐसे मुक्त कंठ से हंसते हुए देख रहा हूँ। और इतना कहते हुए रतन सिंह जी गंभीर हो गए, बोले इतने समय बाद आपको ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ। बोले चलो फिर से वही बातें, बताओ कैसे आना हुआ आज तुम, कैसे पधारे? बहुत समय से मन में एक बात चल रही थी, रतन सिंह जी ने निवेदन किया। बहुत उथल पुथल वह बात मचाई हुई थी अंदर, कभी अवसर नहीं मिला और हिम्मत भी नहीं हुई कि आपसे पूछूं। आज दोनों ही मिल गए, अवसर भी है और आप जैसे हंसे बोले तो उससे हिम्मत भी आ गई कि ठीक है पूछ लो, भोजराज जी ने कहा। बोले पहले मुझे एक वचन दो कि मेरी बात को टालेंगे नहीं। भोजराज जी ने कहा, पता नहीं लोगों को क्या हो गया कि जिसे देखो मुझे ही वचन में बांधने के लिए पीछे पड़ा है, जो बात कहता है पहले कहता है वचन दे दो। और मुस्कुराते हुए बोले कि चित्तौड़ में कोई और लोग नहीं बसते क्या, एक भोजराज मैं ही बचा हूँ। बोले बसते तो हैं, पर वे नीलकंठ के अवतार भोजराज नहीं हैं। अच्छा, भोजराज जी कह रहे हैं, अब तुम कहाँ से जहर उठा लाए, लाओ दे दो, पीकर देखता हूँ कि नीलकंठ का अवतार हूँ कि नहीं। अच्छा पहले, फिर कहा उन्होंने कि आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मेरी बात को टालेंगे नहीं। फिर से वही वाली बात, जल्दी बताओ वरना मार खाओगे। रतन सिंह जी ने कहा, उस दिन आप झूले पर झूल रहे थे और मैंने आपसे भाभीसा का नाम पूछा, तो इतना कहा, मेड़ तियारी थाती मीरा आ भरा फूल। तो आकाश कुसुम, इसका क्या मतलब? भोजराज जी ने कहा, तुम्हारी भाभी कुरूप है क्या, बदसूरत है क्या, तुम्हें कुरूप दिखाई देती हैं वे? अरे नहीं, मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं देखी ही नहीं। मीरा जी के लिखे, आज तक ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं कहीं। विधाता ने बहुत सोच समझ के ये संयोग आपकी जोड़ी बनाई है, इसीलिए कि वह धरा की वस्तुओं से अलग है, इसीलिए तो। भोजराज जी ने कहा, तो बस यही है कि धरा में ऐसा दूसरा नहीं है, इसीलिए कहा उनके लिए कि वह आकाश का फूल है। रतन सिंह जी ने कहा, बाप जी हुकुम, अखाड़े और शस्त्राभ्यास में भले ही मैं जी चुराता रहा हूँ, भले मैं पीछे रहा हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन कला और साहित्य में आपसे बढ़ के हूँ, इसमें मेरी रुचि आपसे अधिक है। सहज रुचि होती है ना किसी किसी, उनकी रुचि कला में साहित्य में, इसी कारण वहीं खड़े इतने लोगों में किसी का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया, किंतु मैं उसी क्षण से विकल हो गया ये बात सुनकर।
और तभी से मुझे इस बात को पूछने की अंदर उथल पुथल मची हुई है। ऐसे भोजराज जी ने कहा कि तुम क्या करोगे जानकर इस बात को, कि ये तो नहीं पता कि क्या करूंगा, पर जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों बोला आपने। महापुरुषों का होता है, एक एक बात आपने सहज रूप से हंसी में भी कह गए ना, चिंतन परायण है, कैसे बोला, क्यों बोला, ऐसी बात क्यों कही, मेरे आचरण कुछ हुए, फिर यहां तो कही ही उनके लिए संकेत में। जानना चाहता हूं, यद्यपि ये तो नहीं पता कि क्यों, पर फिर भी जानना चाहता हूं। भोजराज जी ने कहा, आकाश कुसुम किसे कहते हैं? सुंदर हो परंतु अप्राप्य। आकाश पा सकते हैं क्या, दिखाई दे रहा है? बोले पाया नहीं जा सकता जो। बोले बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। रतन सिंह जी ने जो ही सुना बस इतना निकला, बाप जी हुकुम, और गंभीर हो गए। फिर कहा कि ऐसा कैसे, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है, भोजराज जी कह रहे हैं, वह पर स्त्री है, तो तुम क्या करोगे? तो रतन सिंह जी की मति काम करना बंद कर गई। एक तो प्रश्न का उत्तर कि इसका क्या मतलब है, और फिर कह रहे कि परिस्त्री हो, कुछ देर ऐसे संभाला अपने आप को, फिर पूछा कि ये कैसे। बोले मेरी तो समझ काम नहीं कर रहे, मेहरतियों ने दगा की हमारे साथ, किंतु बुआ सास श्री गोरल दी तो वहीं थी ना, यदि ऐसा कुछ होता तो वह हमें बता देती, उन्होंने तो नहीं बताया, इस विवाह के लिए पहले ही वो मना कर देती। भाभी सा या और कोई भी विवाहिता नारी पुनः ना विवाह क्यों करेगी? बोले मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, और ऐसे बैठ वहीं बैठे थे, ऐसे सर कर लिया। फिर कहा, मेरते में जब कलेव हो रहा था, विवाह के पश्चात फेरों के बाद हुआ था ना, एक जगह बैठे थे, तो बीच में कौन बैठा था? ठाकुर जी विराजे थे। अच्छा बाप जी, पता नहीं वहां ठाकुर जी का क्या काम था, अजीब अजीब उनकी रीति है मेरते वालों की। बोले स्मरण है तुमको कि हाँ, तुमने पूछा था ना कि यह क्या टोटका है, तो मैंने क्या कहा था कि टोटका ये नहीं है, मैं हूं। और कहा कि बस याद कर लो। हाँ याद आ गया मुझे, उस समय ठाकुर जी बैठे थे ना बीच में, वह बचपन में किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारे पति हैं, उनकी माता जी ने कहा था ना, बस तब से उन्होंने हृदय में मान लिया कि ठाकुर जी मेरे पति हैं। और उनकी इस दृढ़ता के कारण प्रभु को आना पड़ा। कैसे आना पड़ा, वो शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।